वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम जानेंगे यहाँ पर RRB बेंगलोर त्रिवेंद्रम असिस्टेंट लोको पायलट डीजल इलेक्ट्रिकल के पेपर के बारे में, जो कि 2014 के हिसाब से होगा, जो कि हमारा ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपको जानना है। इससे पहले लोको पायलट का एग्जाम देने से पहले प्लीज़ आप इसको एक बार समझ लीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट है हमारा टैग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा। आप जैसा कि आप दिल्ली में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता ही है रेलवे लोको पायलट के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, तो जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर रेलवे से संबंधित तैयारी चल रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जो बेल का जो दोस्तों लाल कलर का बटन आ रहा है बेल आइकन का, उसको दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो जान लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, रेलवे में स्टीम इंजन उदाहरण है। दोस्तों रेलवे में हमारा जो स्टीम इंजन उदाहरण है, ये हमारा किस टाइप का है? ये हमारा है इंटरनल इंजन या फिर एक्सटर्नल इंजन। तो ये हमारा क्या लगता है? एक्सटर्नल इंजन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण विधि में रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है। शोषण विधि में रेफ्रिजरेंट प्रयोग कहाँ होता है? फ्रियोन में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है या अमोनिया। तो हमारा जो विधि में रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतनात्मक दक्षता अधिकतम होती है, दक्षता अधिकतम 95% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जब कंडेंसर की पानी ट्यूब सील्ड होती है तो कंडेंसर का तापमान क्या होता है? ये हमारा कंडेंसर का तापमान हमारा समान रहता है। ठीक है, जब ये प्रक्रिया होती है तो हमारा कंडेंसर का तापमान समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट की लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रवाहित कराएगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है? तो 50 ओम है तो हमें ये निकालना पड़ेगा, तो निकालने के बाद हमारा आएगा आंसर यहाँ पर 4.4 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गोलीय दर्पण उत्तल या अवतल, कोई भी दर्पण मान लीजिए गोलीय है, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए इसकी वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो हमारा ये कितने का होगा? तो हमारा ये 10 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड कार्य करता है। दोस्तों जो डायोड होता है ये हमारा काम करता है रेक्टिफायर के रूप में या फिर प्रवर्धक के रूप में या फिर कंडेंसर के रूप में। तो जो हमारा डायोड होता है ये हमारा रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक तेल का तनुकरण निम्नलिखित में से होता है, पानी से या फिर धूल जैसी ठोस मिलावट से या ईंधन से या ज्वलन के से बचे ठोस से। तो हमारा 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए, ये हमारा पानी से होता है तनुकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारा डीसी पदार्थ की आवृत्ति होती है, जो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, इसकी आवृत्ति पूछी गई है, तो इसकी आवृत्ति करंट क्या लगता है, इसकी कितनी होती है? इसका आपको कमेंट करना है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नहीं पता तो मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर दे देंगे। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, इन सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? दोस्तों हमारा जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये हमें बताना है। तो पहला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रायोड का प्रयोग होता है। दोस्तों ट्रायोड का प्रयोग कहाँ होता है बताना है हमें, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रायोड का प्रयोग होता है ये हमारा दौलत के रूप में होता है। ठीक है, तो हमारा 11 का आंसर यहाँ हमारा बी हो जाएगा। हृदय का काम है, दोस्तों हृदय का काम बताना है हमारा, हृदय का काम क्या है? तो हृदय का हमारा रुधिर या फिर खून को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना होता है। ठीक है, ये हमारा हृदय का काम कहलाता है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, पता होगा आपको। तो रे ब्रिज किसके लिए यूज होता है? तो रे ब्रिज हमारा इंडक्टेंस के लिए यूज होता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा यह हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा सिंगल कट दांते कितने डिग्री पर होता है? जो सिंगल कट दांते कितने डिग्री पर होता है, तो ये हमारा होता है 60 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सी हो जाएगा। कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? जो कैलिपर्स होते हैं ये हमारे किस धातु के बने होते हैं? ये हमारे स्टील के बने होते हैं। ठीक है, कैलिपर्स, तो आपको याद रखना है, आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का यूनिट होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का यूनिट हमारा क्या होता है? टेस्ला या फिर वेबर या फिर गॉस या फिर अरिस्टेड। तो यहाँ पर हमारा 16 का आंसर हो जाएगा, यह हमारा टेस्ला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कंट्रोलर का आसान रूप है। जो मोटर कंट्रोलर का आसान रूप है ये बताना है हमें, तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक स्विच होता है ये हमारा मोटर कंट्रोलर का आसान रूप है। क्वेश्चन है, चीजल की शेप कैसी होती है? चीजल की शेप बतानी है, टेक्निकल क्वेश्चन बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग लोको पायलट के। ये त्रिभुजाकार होती है या फिर चतुर्भुजाकार होती है, पंचभुजाकार या अष्टभुजाकार? तो चीजल की शेप हमारी पंचभुजाकार होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटिलीन गैस किस कितने तापमान पर ठोस अवस्था में आ जाती है। जो एसिटिलीन गैस है हमारी डिग्री सेल्सियस पर हमारी ठोस अवस्था में आ जाती है, तो आंसर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डाई किस धातु की बनी होती है। जो डाई होती है ये हमारी किस धातु की बनी होती है, तो ये हमारी बनी होती है हाई स्पीड स्टील से, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप का हेलिक्स एंगल कितनी डिग्री में रखा जाता है। जो एन टाइप का हेलिक्स एंगल है ये बताना है कितनी डिग्री में रखा जाता है, तो ये हमारा 10 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रखा जाता है। ठीक है, अर्थ में नमक कोयला जल क्यों डाला जाता है। हम लोग अर्थ बनाते हैं घर पर, ये हम लोग क्यों डालते हैं, क्योंकि आसपास की भूमि स्वच्छ रखने के लिए, या फिर कीड़ा ना लगने के लिए, या करंट ना लगने के लिए, या आसपास की भूमि पर नम रहने के लिए। तो ये हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारी आसपास की भूमि को नम रखने के लिए। ठीक है, बीएचपी क्या है बताना है हमें, बीएचपी का फ्लो बताना है यहाँ पर हमें, तो 23 का आंसर यहाँ हमारा बीएचपी का फ्लो होता है ब्रेक हॉर्स पावर, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड की लंबाई कितनी होती है। जो हमारी हेक्सा ब्लेड है इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी 5 mm हमारी लंबाई होती है। ठीक है, सामान्य डीजल टैंक की क्षमता कितनी होती है, बस ट्रक आदि को छोड़कर, हमें बस ट्रक आदि को छोड़कर बताना है। तो सामान टैंक की हमारी जो क्षमता होती है ये हमारी होती है 40 लीटर। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ हमारा 25 का बी। इलियट टाइप फ्रंट एक्सल कैसा होता है। जो इलियट टाइप फ्रंट एक्सल बताना है कैसा होता है, तो ये हमारा जेड आकार का होता है। ठीक है, जेड के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हैजा, मैंने आपको कई बार बताया हैजा फैलने का कारण क्या है, जीवाणु है से हमें कि है जावड़ा जा है, यहाँ पर जीवाणु याद रखने का तरीका है, तो आंसर हमारा जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ होती हैं दोस्तों हमारे, इसका संरक्षण करना है हमें कि खराब ना हो हमारे खाद्य पदार्थ, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पर बेंजोइक अम्ल। ठीक है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। सबसे कार्बन का शुद्धतम रूप हमारा हीरा होता है, तो आंसर हमारा 29 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन व 12 न्यूट्रॉन हैं। तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, बताना है हमें कितना हो जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान, ये हमारा 22 हो जाएगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। बताना है हमें हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन का संवहन करता है। ठीक है, ये हमारा हीमोग्लोबिन का कार्य है, एक तरह का ये प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किससे प्राप्त होता है। जो अगर होता है दोस्तों, ये हमारा सवाल होता है। ठीक है, तो 32 का आंसर यहाँ हमारा ग्लेसेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ हमारा 32 का आंसर बी हो जाएगा। आलू में मौजिक रोग का कारक है। जो हमारा आलू के मौजिक रोग है, इसे हमारा किसका कारण है, ये हमारे विषाणु का, फिर जीवाणु का, या फिर फफूंदी का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा विषाणु का कारण है। ठीक है, आलू का मौजिक रोग, इसी रोग पर विषाणु की खोज की थी। क्वेश्चन है, जेली बनाने में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है। जो जेली बनाने में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ बताना है, तो हमारा शक्कर, या फिर पेक्टिन, या एस्कर्बिक एसिड, या प्रोटीन, तो हमारा पेक्टिन होता है सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक परिच्छेद जिसकी विशेषता गर्म ग्रीष्मकाल, ठंडा सर्दियों के दिन, वनस्पति विहीन जीवन है, ये हमारा क्या है। वनस्पति विहीन जीवन, यहाँ वनस्पति नहीं होती हैं, तो ये हमारा उष्णकटिबंधीय मरुभूमि। ठीक है, 35 का आंसर हमारा हो जाएगा। यदि लाल फूल को हरी शीशी में देखें तो कैसा दिखेगा। ये चीज़ देखने वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। ये हमारा लाल फूल को हरी शीशी में देखते हैं तो काला दिखेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ हमारा 36 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ग्रेफाइट को हीरे में बदला जा सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कास्ट कोयला, कोक व कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट के अलग अलग रूप हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा, ग्रेफाइट से CO2 गैस निकाली जा सकती है किंतु हीरे से नहीं, ये हमारा गलत है। ठीक है, और हमारा ये भी हमारा सही होगा। कार्बन डाइसल्फाइड बनाने के लिए कार्बन व सल्फर अभिक्रिया करते हैं, ये भी हमारा सही है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है, इसका नाम स्कर्वी कम होता है विटामिन सी का, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही यमुनोत्तर के दो स्थलों में होता है। एक ही यमुनोत्तर में के दो स्थलों में होता है, क्या होता है।
सौर समय, औसत तापमान, दृष्टि या जमीन का विस्तार, तो हमारा होता है इसमें 39 का आंसर हो जाएगा, यह हमारा औसत तापमान होता है। ठीक है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है, जो धोने वाला सोडा है दोस्तों ये हमारा सोडियम क्लोराइड वाला सोडा हमारा सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, और खाने वाला सोडा हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट कहलाता है। तो यहाँ बताना है हमें धोने वाले सोडे का, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए इनमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म की हमें आयु ज्ञात करनी है तो कार्बन डेटिंग हम C14 यहाँ पर हम यूज करते हैं पद्धति, तो यहाँ 41 का आंसर हो जाएगा, यहाँ हमारा कार्बन डेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य रासायनिक तत्व जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, ये हमारा नाइट्रोजन होता है दोस्तों, इसी से हमारा निर्माण होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यह हमारा 42 का डी। स्लेट वेल किसे कहा जाता है? जो स्लेट वेल है हमारा इसे किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का वह हिस्सा है जो किसी भी तरह के विकिरण को बाहर नहीं निकलने देता, यहाँ आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आपको एक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ कहीं नोट कर लें, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है? दोस्तों अगर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो हमारा इसका कारण मेन कारण हमारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी 44। नहीं, हमारा यहाँ पर एक वस्तु के क्षैतिज से एक कोण पर फेंकने पर निम्न में कौन सा कदम सही होगा? अगर हम एक वस्तु के क्षैतिज से एक कोण पर फेंकने पर हमारा कौन सा कदम सही होगा, यहाँ हमारा कथन होगा इसका क्षैतिज वेग ऊर्ध्व त्वरण स्थिर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका क्या होगा? उसका भार घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ वही रहेगा। ठीक है, तो उसका भार घट जाएगा, द्रव्यमान नहीं चेंज होता है कहीं पर भी। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्ध्य होती है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है हमारे हरे प्रकाश में, या फिर बैंगनी में, या फिर नीले में, या फिर लाल में। ठीक है, तो सबसे अधिक लाल में होती है, बताना है सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम होती है हमारी बैंगनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व हमारा क्या होता है, कम होता है, या फिर ज़्यादा होता है, या फिर समान रहता है, या फिर पानी के घनत्व के अनुसार कम अथवा अधिक होता है? दोस्तों यहाँ पर 48 का आंसर हमारा उच्च हो जाएगा। ठीक है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप मापने की इकाई है, ताप मापने की इकाई हमारी क्या है? सेल्सियस, तापमान, कैलोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो तापमान की इकाई हमारी सेल्सियस होती है। ठीक है, सेल्सियस का आविष्कार हमारा सेल्सियस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संग्रहणकर्ता बैटरी के रूप में कार्य करता है? ये हमारा काम करता है सूखी बैटरी, या सोल बैटरी, या शीशा, अम्लीय बैटरी, या उपरोक्त सभी। तो हमारा जो काम करता है संग्रहणकर्ता बैटरी के रूप में शीशा अम्लीय बैटरी करता है। ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ आप इस बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर दोस्तों आपको इसका अगला पार्ट चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं अगला पार्ट भी यहाँ पर बना के अपलोड कर देंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपका दिन शुभ हो।